देखने के बाद आपको ये नहीं सोचना कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ खाद दिया गया होगा, बहुत ज्यादा चीजें कुछ ऐसा दिया गया होगा, नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीका है, एक बहुत छोटे से चीजों में करना है और उस तरीके से आप कर सकते हैं ये सारा चीजें। जैसे एक रेगुलर डोज में पानी देना है, कुछ इसकी पेस्टिसाइड से वो चीज देना है, कुछ ग्रोथ प्रमोटर्स है जो कि आप लैंड सॉइल टेस्ट करने के बाद हम एक शेड्यूल बनाते हैं उसी के अनुसार देना है। मलिक साहब, आपके पास जब पौधा आया था हमारा कितना इंच का पौधा था? सर उस वक्त 3 से 4 इंच। आप रियल फीलिंग बताइए कि आपको उस समय कैसा फील हो रहा होगा कि पता नहीं लगेगा कि सूख जाएगा, क्या चीज था? सर मैंने यहाँ अपने खेत में ये प्रोजेक्ट लगाने से पहले आपके जो लीडिंग प्रोजेक्ट हैं बुलंदशहर और होशियारपुर वगैरह की मैंने विजिट कर ली थी। मैं पहले से ही इंश्योर हो गया था कि ये फ्लॉप होने वाली चीज़ नहीं है और वो रिजल्ट सामने आप देख रहे हैं कि 5 महीने हुए नहीं और पेड़। एग्जैक्टली, देखिए क्या होता है कि कभी भी कोई काम किया जाता है तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात होता है कि आत्मविश्वास, कि हमारा विश्वास बन रहा है कि नहीं। आपको लोग बहुत सारे सलाह देंगे, बहुत सारे बातें बताएंगे। जनरली मैं बताऊं कि आप एक नया टी शर्ट पहनिए, आप पहन करके अपने दोस्तों के बीच में चले जाइए, चाहे जानने वालों के बीच में चले जाइए। अगर 10 लोगों ने उस टी शर्ट पहने हुए देखा है तो 2 कहेंगे अरे बेकार लग रहा है, 2 कहेंगे अच्छा लग रहा है। यानी हर चीज पर लोगों को कमेंट करने की आदत है, चाहे वो करे या ना करे अपने लिए। वो कहते हैं ना कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मलिक साहब ने कोशिश किया और ये शानदार कोशिश दिख रहा है। ये बहुत दूर में फार्म है, हमारा माइक ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता, इसलिए मैं यहाँ से घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ। हर पौधे एक जैसा आप देखेंगे, यहाँ पर कहीं आपको नर्सरी वाला प्लांट्स लगा होगा, मलिक साहब तो आपको वहां से कंपेरिजन कर रहे होंगे, आपको हर एक पौधा 99% प्लांट्स आपको एक जैसा चीजें दिखेगा, ये सारा चीजें। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी प्लांट का गर्त उठा कर देखिए, आप मुट्ठा से पकड़िए 5 से 7 इंच का इसका गर्त होता है और रखा है। सर भिंडा कौन 3 इंच का नापा था, वो अभी 10 दिन पहले जब 6 इंच गर्त थी, 10 दिन पहले आपने मापा हुआ? 7 इंच गर्त हो गया आराम से, 7 के 8 भी पा सकती है किसी किसी, 7 से 8 भी पा जी गया है। अब हम कहते हैं मलिक साहब आप विश्वास करें, आप तो गए थे बुलंदशहर, बुलंदशहर में मेरा प्रोजेक्ट 3 साल कम्प्लीट हुआ जी, इसी मई में लगा था, 3 साल पहले मई में 3 साल कंप्लीट हुआ है। और 3 साल कंप्लीट होने के बाद उसकी जो गर्थ है 16-17 इंच की गर्थ है, जो DBH है जहाँ पर यहाँ पर सीने के ऊपर नापा जाता है इसकी मोटाई, वो भी 13 से 14 इंच का, यानी 1 फीट से ज्यादा है। हम कहते हैं कि 3 फीट की गर्थ और 35 फीट की हाइट होती है तो उसमें आराम से हमारा जो कामयाब लकड़ी है वो 12 से 15 CFT निकल जाती है, अगर CFT में चीजें बने। अगर आपको क्या लगता है कि 3 साल में जो पौधा 1 फीट की मोटाई पकड़ लिया है और लगभग 25 से 30 फीट की हाइट है, वो हम लोग जो बात करते हैं वो सही कहते हैं कि गलत कहते हैं? ये 10 साल से पहले तैयार हो जाएंगे सर। एग्जैक्टली, मैं भी यही चीज कहता हूँ कि 10 साल में तैयार हो जाएगा, लेकिन चीजें क्या होती है कि हम कम से कम 12 साल का टाइम इसीलिए रखते हैं कि इसकी हार्ड वुड बनना है, इसकी मचोट लकड़ी बनानी है ताकि आपको मार्केट में रेट अच्छा से अच्छा मिल सके। दोस्तों, मलिक के सामने ही मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, बड़ी सारे हार्वेस्टिंग के सवाल आते हैं, हो सकता है मलिक साहब के भी दिमाग में आए होंगे कि इसके हार्वेस्टिंग के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा। बहुत सारे फोन्स भी आते हैं हमारे पास, यानी कि जब लकड़ी मैच्योर हो जाता है तो उसकी कटाई के क्या करना होता है। दोस्तों देखिए, हर स्टेट का एक रूल्स बना हुआ है, एक गाइडलाइंस है, प्रॉपर गवर्नमेंट गाइडलाइंस है और गवर्नमेंट ने बना रखा है। सबसे पहले तो लोग जैसे समझ जाते हैं कि ये पेड़ काटने की आजादी है, ये पेड़ काटने की आजादी नहीं है। मैं थोड़ा सा क्लासिफाइड कर दूंगा आपको कि पेड़ को, सारे पेड़ को एक जैसा मत एक में शामिल करिए, इसको क्लासिफाइड करिए। ये जो सागवान का पेड़ है एग्रो फॉरेस्ट्री पेड़ है। एग्रो फॉरेस्ट्री अलग होता है, जो ऊटी प्लांट बोलते हैं, दूसरा होता है हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होता है। हॉर्टिकल्चर प्लांट्स वो होता है जिसे फ्रूट्स निकलते हैं। अगर मलिक साहब मैं ये कहूँ कि आपने 50 पेड़ आम के लगाए हैं, तो आम का पेड़ लगाने का पर्पस क्या होता है? आम खाने का जी, उसका फ्रूट खाने का, लकड़ी बेचने के लिए तो कोई आम नहीं लगाता नहीं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो इस टाइप का पेड़ है उसको आपको नहीं काटना है। पर्पस आप ना देखिए, अब कोई सागवान के पौधा लगता है तो सागवान के पौधे से क्या निकलता है? लकड़ी निकलता है, टिम्बर निकलता है, उसी टिम्बर को हम यूज करते हैं। और इंडिया आज की डेट में सबसे बड़ा इम्पोर्टर कंट्री है टी कूट का। हमारे देश में इतने लकड़ी नहीं है कि हमारे इंडिया की आबादी को पूरा सर्व कर सके, पहुंचा सके। तो हम लोग मलेशिया से, तंजानिया से, इंडोनेशिया से, अलग अलग घना से, हमारे जो बड़े बड़े एक्सपोर्ट बायर्स हैं वो सारा इम्पोर्ट करते हैं, तब लकड़ी आपके पास पहुंचती है। इसी चीज को गवर्नमेंट ने आसान किया कि अपना एक गाइडलाइंस बनाया,
उन्होंने कहा कि अपने निजी यानी प्राइवेट लैंड फार्मिंग कीजिए, प्राइवेट एग्रो फॉरेस्ट्री लगाइए, जिसमें आपका वुडी प्लांट है, जैसे सगवान है, महगुनी है, और भी दो चार प्लांट्स है, वो अलग अलग है कि टाइमिंग के अनुसार चीजें अलग होता है। तो जब गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाया कि आप लगाइए, तो हार्वेस्टिंग का भी गाइडलाइंस बनाया है उसने कि भाई किस तरह से हार्वेस्ट किया जा सकता है। जिस तरह से हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है कि आप जा करके जहां पर बनता है वहां से फॉर्म भरिए, उसके प्रोसेस से गुजरिए, हर किसी का प्रोसेस होता है। उसी तरह इसका भी प्रोसेस है कि आपको एक ट्रांजिट पास लेना होता है। ट्रांजिट पास कौन देता है? फॉरेस्ट विभाग देता है। फॉरेस्ट विभाग इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आपके यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, पौधे लगे हुए हैं और इतना प्लांट है। कई कई स्टेट्स में है कि जब प्लांट लगा साल भर के अंदर, उसको जा करके अपने जमीन जहाँ पर रिकॉर्ड होता है तहसीलदार के पास, वहाँ पर उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है, रजिस्टर पर चढ़ा दिया जाता है, ताकि जब हार्वेस्टिंग के समय में हम ट्रांजिट पास अप्लाई करें तो उस समय प्रूफ रहे कि हमने ये प्लांट लगाया हुआ था। जैसे पहाड़ी इलाकों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका महाराष्ट्र, बहुत सारा चीज है। हालांकि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब जगह एक चीज है, रजिस्टर्ड करवा देना चाहिए। दूसरा चीज की जब ट्रांजिट पास आपका बन जाता है, तभी बायर्स आकर के, कोई भी प्राइवेट बायर्स आप अगर बुलाते हैं, जैसे हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बायर्स हैं, वो कटा हुआ जो माल है, आपका लॉक्स बनाया हुआ जो माल है, वो आके ले जाएंगे, बशर्ते उनके पास टीपी होना चाहिए। देखिए, एक लॉजिकली समझना है मलिक साहब की, जैसे हम गेहूं की खेती करते हैं तो कोई भी बायर आता है तो गेहूं कैसे लेके जाता है? जब आप उसको कटवा करके बोरे में भर देते हैं, पता चले कि कितना क्विंटल है, कितना टन है, तभी तो लेके जाता जी है। जी, कोई बायर आज तक होता है कि गेहूं का खेत कहे कि चलो जी हम अपना कटवा लेंगे, हम अपना उसको गेहूं निकाल लेंगे, कभी नहीं। तो लोग अभी तक परेशान इस बात से इसीलिए हैं क्योंकि उनके खेत में लगा हुआ है, कोई प्रोसेस वो करना नहीं चाहते, सीधे कहते हैं सामने वाला आके लेके जाए। हाँ। तो भाई वो लेके जाएगा तो फिर तो वो भी कमाएगा, वो लेके जाएगा अपना हिस्सा लेके जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी। तो इसीलिए कुछ काम आपके लेवल से होनी है, कुछ लाभ काम हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं, जो इसके पूरा बहुत बड़ा मार्केट है जहां पर देते हैं कि आपकी लकड़ियों को बड़ी हाई रेट दे करके लिया जाता है, खरीदा जाता है। तो दोस्तों, ये सगवान कमर्शियल प्रोजेक्ट है। आप किसी भी एंगल से सोचेंगे, किसी भी एंगल से सोचेंगे, अगर मैं कहूं मलिक साहब से कि यहाँ पर 1000 पेड़ है, सपोज उदाहरण के तौर पर 1000 पेड़ है, और इस 1000 पेड़ हम कहते हैं कि आज के डेट में 20,000 का मार्केट वैल्यू है, और 20,000 के मार्केट वैल्यू के अनुसार 2 करोड़ रुपया बनता है, क्योंकि चलिए हम इसमें से कैलकुलेशन ये करते हैं कि कुछ प्लांट्स डैमेज हो जाएंगे, कुछ खराब हो जाएंगे, 12 साल का लंबा पीरियड होता है, थोड़ा सा कोई कम गर्थ करेगा, हम 20% को माइनस कर देते हैं। 20% माइनस करने के बाद भी हमारे पास जो 80% प्लांट बचता है, 80% प्लांट का मतलब कि 800 प्लांट बचते हैं, उस 800 प्लांट्स को अगर 20,000 रुपए के हिसाब से आप देते हैं तो भी आपका 1,60,00,000 रुपया बनता है। एक और चीज एडिशन करता हूँ रेयर केस में कि कोई कहता है कि भाई अगर 10,000 में बिका तो, मैं कहता हूँ कि अगर 10,000 में भी आप बेचते हैं तो आप जोड़िए कि 800 प्लांट आपका 80,00,000 रुपया का हुआ। 12 साल में ऐसा कौन सा फसल आप यहाँ पर कर पिछले 12 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए कि आपने ऐसा क्या फसल किया था कि 80,00,000 रुपया कमा लेते हैं। जितना हम जानते हैं कि 1 करोड़ रुपया कमाने में इंसान की जिंदगियां निकल जाती है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, उदाहरण है, लेकिन सिर्फ ये संभव इसलिए हो पाता है कि मलिक साहब जैसे लोगों की सोच होने चाहिए, यानी बड़ा सोच, बड़ा सपना जब तक नहीं देखेंगे तब तक चीजें बड़ी बातें होती नहीं है। करोड़पति बनने के लिए, करोड़ रुपया कमाने के लिए रातों रात कोई स्कीम नहीं चल जाता कि रातों रात कोई हो जाएगा। ये एग्रो फॉरेस्ट्री है, आप एक लीगल वे में काम कर रहे हैं, लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, और ये लीगल तरीका ये है कि 12 साल तक जिस तरह से सपोज करिए मलिक साहब कि मेरा एक बेटा है और मैं अपने बेटे को 20-25 साल तक इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, सारा चीजें, और वो जाकर के तब जाकर कुछ कामयाब बनता है, नौकरी मिलती है या बिजनेस करता है, जो कुछ भी करता है, फिर भी गारंटी नहीं है कि उस समय का सिचुएशन क्या रहेगा, उसको सारा चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 12 साल हम इसकी सेवा कर दें, इसको भी अपना बेटा मान लें, एक बेटे की तरह इसको भी हम परवरिश करें, 4-5 साल तक बढ़िया से परवरिश कर दें, तो ये गारंटी है कि ये बेटा आपको निराश कभी नहीं करेगा, ये बेटा आपको करोड़ों रुपया दे कर जाएगा। फसल हो गन्ने की फसल 10 साल में इसमें 10,00,000 रुपए की इनकम देगी जी किसान को, 10 साल में गन्ने की फसल, गन्ने की फसल 10,00,000 रुपए का। देखिए, जितना गन्ना में मेहनत किया जाता है, चाहे गेहूं, एक सिंपल सा गेहूं लगाते हैं 4-5 महीने का फसल, 4 महीने का, उसमें भी हम 2-3 पानी देते हैं, उसमें भी खाद देते हैं, उसमें भी उसको सारा केयर करते हैं ना, तो जब 4 महीने के फसल में इतना करते हैं, ये तो इतना करोड़ों रुपया देने वाला है, तो इस बेटे को थोड़ा सा ख्याल रख लेना है,
थोड़ा सा ख्याल रखेंगे ये आपका जिंदगी भर का ख्याल रखेगा, क्योंकि देखिए 50-60 साल के बाद एक ऐसा समय आएगा कि हम सब लोग एक रिटायरमेंट हो जाएंगे, काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एक लॉन्ग हॉलीडेज पर चले जाएंगे, उस समय बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है और उस पैसे का कमाने का उस समय बंद हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तो यही पैसा